नमस्कार विद्यार्थियों, विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट उदयपुर में 2020-21 में वे समस्त विद्यार्थी जो सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में आए हैं उनको अपनी फीस ऑनलाइन जमा करानी है। आप अपनी फीस ऑनलाइन कैसे जमा कराएं, इसी उद्देश्य से ये वीडियो बनाया गया है। आप इसको पूरा ध्यान से देखें। विद्यार्थियों, आपको व्हाट्सएप ग्रुप और वेबसाइट के माध्यम से एक लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा। ऊपर लिखा है QFIX। अगर आप लिंक से क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ पहुँचेंगे। यहाँ पर इंस्टीट्यूट पहले ही सेलेक्ट किया हुआ है, विद्याभवन रूरल इंस्टीट्यूट। ब्रांच में लिखा हुआ है विद्याभवन रूरल इंस्टीट्यूट 2020-2021। आपको क्या करना है, ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिल करना है। जैसे कि मैं आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करके एक फीस जमा करा के मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो VBRI 2020, ये सभी विद्यार्थियों का स्टार्टिंग के जो VBRI 2020 है ये एक जैसा है। इसके बाद आपको डालना है रजिस्ट्रेशन नंबर। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको संबंधित अध्यापक से, फैकल्टी से मिल जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो मैं डाल रहा हूँ आपको व्हाट्सएप ग्रुप से भी मिल जाएगा। अगर किसी कारण से नहीं मिलता है तो आप फ़ोन करके हमसे पूछ सकते हैं, नंबर ले सकते हैं। मैं इसको रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने डाल दिया है। अब मैं सर्च पर क्लिक कर रहा हूँ। सर्च पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसमें आपका नाम लिखा हुआ आ जाएगा। वेलकम, आपका नाम, आप किस, कौन सा कोर्स कर रहे हैं, क्या किस ईयर में है, वो सब कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। आपको अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालना है एक बार, और ईमेल एड्रेस एंटर कराना है आपको। जैसे कि मैं एक ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर करा रहा हूँ, ये मैंने करा दिया ईमेल एड्रेस एंटर, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करना है, पर उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्म चार्ज 150 रुपीज़ है और फीस जो है वो 12,000 रुपये है, ठीक है। तो ये टोटल फीस है जो आपको पे करनी है। पर उससे पहले मैं अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक कर रहा हूँ। अपडेट सक्सेसफुली हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखिए कंटिन्यू एंड पे पे क्लिक कर रहा हूँ। कंटिन्यू एंड पे जो सबसे नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके पास पेमेंट समरी लिखी हुई आएगी, ईमेल एड्रेस लिखा हुआ आएगा और फीस लिखी हुई आएगी 12,000 + 150, यानी कि 12,150। इसके बाद मुझे प्रोसीड पे क्लिक करना है। सबसे नीचे प्रोसीड लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं। प्रोसीड पे मैंने क्लिक किया है यहाँ पर, और इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, और आप डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट से, यानी कि पे फ्रॉम बैंक अकाउंट से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन जो है वो नेट बैंकिंग का है। अगर आपके पास आईडी और पासवर्ड है तो आप सेकंड ऑप्शन पे फ्रॉम बैंक अकाउंट से कर सकते हैं। यदि आप एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो आप पे कर सकते हैं। जैसे कि मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है, मैं इसी से पेमेंट करना चाहता हूँ। मैं मेरे एटीएम कार्ड से पेमेंट करना चाहता हूँ फीस का। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। ये कार्ड नंबर जो है ये आपको आपके ATM के ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा। जैसे मैं कार्ड नंबर डाल रहा हूँ यहाँ पर, आपको कार्ड होल्डर का नाम डालना पड़ेगा। ये जिस नाम से ये कार्ड है वो नाम डालना पड़ेगा। तो मैं नाम डाल देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद डालना पड़ेगा CVC। तो ये जो CVC नंबर है ये आपको आपके ATM कार्ड के पीछे जो 3 डिजिट का नंबर है, 3 अंकों की संख्या है, ये आपको मिल जाएगा। वो डाल देंगे आप यहाँ पर, जैसे मैंने एंटर करा दिया है। ये सारा एंट्री, 3 एंट्री आपको करनी है, कार्ड नंबर, 4 एंट्री करनी है, कार्ड नंबर, कार्ड होल्डर नेम, वैलिड थ्रू में डेट और CVV नंबर जो आपके ATM कार्ड के पीछे लिखा हो। ये 4 एंट्री करने के बाद हम मैक पेमेंट करेंगे। मैक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये स्क्रीन बिजी दिखाएगी, घूमेगी स्क्रीन, और अब आपके सामने एक और ऑप्शन हो चुका है यहाँ पर। आपको यहाँ पर OTP एंटर करना है जो आपको मोबाइल पर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। मैं ये OTP एंटर करेंगे, ऊपर इन्फॉर्मेशन आ चुकी है यहाँ पर, विद्याभवन रूरल इंस्टीट्यूट
डेट आ चुकी है आज की, आपकी फ़ीस आ चुकी है, ये 3D सिक्योर ऑथेंटिकेशन लिखा हुआ भी है, ICICI बैंक से मैं इसको पेमेंट कर रहा हूँ यहाँ पर, अब मैं इसको सबमिट करा देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पे पूछा है पासवर्ड रिमेंबर, तो इसमें आप नेवर कर सकते हैं या जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये फीस जमा हो चुकी है, ICICI बैंक से नोटिस आ चुका है कि आपके इतने रुपये अकाउंट से कट चुके हैं, और यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल लिखा हुआ आ चुका है, और आप यहाँ पर रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। जो पहला ऑप्शन है डाउनलोड रिसिप्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आपकी रिसिप्ट जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। आपसे पूछेगा कहाँ पे डाउनलोड करनी है, तो आप स्टोरेज बता दीजिए या फिर डायरेक्ट ओके पे क्लिक कर दीजिए, तो आपकी ये रिसिप्ट जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है, हम इस रिसिप्ट को देख सकते हैं यहाँ पर, डाउनलोड रिसिप्ट ये सक्सेसफुल हो चुकी है। रिसिप्ट को देख लेते हैं हम यहाँ पर, PDF फाइल ओपन कर लेते हैं रिसिप्ट। तो ये आपकी रिसिप्ट है, देखिए QFIX लिखा हुआ है ऊपर, HDFC बैंक लिखा हुआ है यहाँ पे ऊपर, विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट 2020-2021, ये आपकी फीस की रसीद है स्टूडेंट। इस रिसिप्ट को, इस रसीद को आपको संभाल के रखना है, इसमें पूरा पेमेंट और उसकी डिटेल लिखी हुई है आपका, जैसे आपका कितने रुपये आपने जमा कराए हैं, साथ ही साथ इसमें जो आपकी अमाउंट है और टोटल फीस का जो ब्योरा है, सारा सब कुछ डिटेल लिखा हुआ है। इस रसीद को आपको संभाल के रखना है, और ये रसीद आपको फैकल्टी के कहे जाने पर, जो आपके संबंधित फैकल्टी है वो कहती है, तो आप ये फी ये रसीद उनको दिखानी भी है, और भविष्य के लिए इसको सुरक्षित रखना है। ठीक है, धन्यवाद।